खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए 30 अक्टूबर को बागली विधानसभा में मतदान होना है। 27 अक्टूबर की शाम से शोरगुल वाला प्रचार प्रसार थम गया है। वहीं अब राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता डोर टू डोर मतदाताओं को साधने में लगे हैं। इसी बीच गुरुवार की दोपहर को बागली विधानसभा के चापड़ा में एक नया मामला सामने आया है, जिसमें कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के नेता मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए शराब वितरण करने के लिए अवैध रूप से चापड़ा से शराब का परिवहन कर रहे हैं। यह मामला सामने आने के बाद बागली विधानसभा में हलचल मच गई। बागली विधानसभा के चापड़ा के श्याम नगर में देशी शराब से भरी पिकअप वाहन कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पकड़कर पुलिस के सुपुर्द की गई है। सुबह से ही भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मतदाताओं को शराब बांटे जाने के लिए शराब का परिवहन होने की जानकारी कांग्रेस को मिली थी। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। जो अवैध रूप से शराब जब्त की, क्या पूरा मामला है? ये जिले से फोन आया था कि कुछ ग्रामीणों ने यहाँ चापड़ा में कोई गाड़ी पकड़ी है, और उसकी सूचना पे पुलिस और हम लोग यहाँ पर आए, उसका पंचनामा बनाया और पुलिस पंचनामा बना के हमने आबकारी विभाग को दिया है। कितनी शराब है ये पूरी, और कितने कीमत है इसकी? 450 लीटर है लगभग। 450 लीटर जी। और क्या कीमत है इसकी? 2 लाख के लगभग। वाहन भी जब्त किया इसमें? हाँ, वाहन भी जब्त किया। इसमें जो ये मूल रूप से जो कांग्रेस का कहना है कि चूंकि ये जो है चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो है इस तरह की शराब का वितरण किया जा रहा था, इस तरह की कोई बात सामने आई? मौके पे तो अभी ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं है, क्योंकि वो छोड़ के भाग गया गाड़ी को, और उसकी जांच जारी है। आबकारी विभाग उसकी जांच करेगा, उसके बाद मालूम पड़ेगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बागली विधानसभा के चापड़ा में देसी शराब से पेटियों से भरी एक वाहन पकड़ी गई है, तो क्या है पूरा मामला? ये सुबह से भारतीय जनता पार्टी के लोग दारू गाड़ी के भर भर के निकाल रहे थे। हमारे ब्लॉक करते जो यहाँ के युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता चापड़ा के, उन्होंने सूचना दी कि भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री मैं बग्गा जी और मंडल अध्यक्ष टिकेत, वो दोनों यहाँ से गाड़ी भर के ले आए थे। हम लोगों ने पीछा करा, जब जबकि गाड़ी पकड़ी, पूरे लोगों को दारू पिलाकर गरीबों को शोषण कर रहे हैं। ऑलरेडी देश में गरीबी और महंगाई से परेशान है, वो दारू गाँव में बांट कर वोट लेना चाहते हैं, पर जनता ने इनको नकार दिया है, इसलिए दारू की पेटी गाँव में बांटने का प्लानिंग बना रहे थे। वो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ सभी, और मुझे सूचना दी और मैं भी तुरंत यहाँ आया और हमने ये गाड़ी को पकड़ा। वो पुलिस प्रशासन खड़ी है, हमने एसपी कलेक्टर सबको फोन लगा दिया है, वो गाड़ी का पंचनामा बनकर थाने में चाहिए। पूरी गाड़ी आज पूरे क्षेत्र में यहाँ से दारू आसपास की गाड़ी कन्नाद वगैरह आसपास गाड़ी भरने का काम चल रहा है, क्योंकि बीजेपी को वोट दे नहीं रहे, महंगाई के खिलाफ है जनता पूरी। किसान को खाद नहीं मिल रहा है, अरे गरीबों को बांटना तो तेल बांटे, मीठा तेल का खाद की थैली बोरी बांटे, शक्कर की बोरी बांटे, वो बांटे, हम खुश होंगे, उनके साथ रहेंगे। गरीबों को कुछ देना तो कुछ दो ना, आप दारू क्या बांट रहे हो, आप उन बच्चों को अनाथ कर रहे हो, दारू से पहले ऑलरेडी मर रहे हैं लोग। जो आपके द्वारा जो शराब की गाड़ी पकड़ी गई, तो इसे प्रशासन द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई? प्रशासन मिला हुआ है, सब प्रशासन बोल रहे हैं, भगवान ने हमारी सरकार है, कैसे दारू केस बनेगा, दादाजी कर रहा है, मतलब मंडल देखें तो दादाजी छोड़ा ना गया, मंडल का अध्यक्ष दादाजी कर रहा है हमारे कार्यकर्ता से। प्रशासन से हम संतुष्ट नहीं है, प्रशासन खुद आए पंचनामा बने, वो गाड़ी अगर जब्त नहीं हुई तो हम इसके खिलाफ और आंदोलन करेंगे कल। पूरा मामला यह है कि कांग्रेस के लोगों की आदत है झूठ बोलने की, भ्रम खड़ा करने की और अपने पापों पर पर्दा डालने की। सही वास्तविक स्थिति यह है कि कल 5 बजे के बाद में चुनाव प्रचार जो ध्वनि विस्तार के साथ में होता है, उसका कल 5 बजे के बाद में वो थम गया है। अब आज से सारे राजनीतिक दल के लोग घर घर जाकर के जनसंपर्क करके डोर टू डोर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हो, अधिक से अधिक मतदान हो, इसको लेकर के हम लोग एक जनसंपर्क कर रहे थे। चूंकि आप लोगों को पता है कि मुझे पिछले 4 दिन से मैं डेंगू से पीड़ित हूँ और डॉक्टर जे सी यादव के हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा है। आज हमारे जिला महामंत्री जी कुछ समय के लिए बागली मंडल में आए थे और चापड़ा में वो प्रवास पर आए, तो उनकी इच्छा थी कि जनसंपर्क की टीम के साथ में उनका जनसंपर्क, जब वो श्याम नगर में थे तब मुझे ये जानकारी लगी कि श्याम नगर में डोर टू डोर हमारे जिला महामंत्री जी स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ में जनसंपर्क कर रहे हैं। मेरी बोतल खत्म हो गई थी, मैं उनके पीछे श्याम नगर जब पहुँचा तो मैंने देखा कि एक गली में कुछ ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। मैंने जिला महामंत्री जी के पास में पहुँच के ये बात बताई और हम लोग 7-8 लोग जब वहाँ पर गए तो कांग्रेस के लोग एक बिना नंबर की गाड़ी में खुले आम शराब वितरण कर रहे थे
और अगर आप उस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आदर्श आचार संहिता का एक नियम ये होता है कि स्थानीय नेता ही जो इस विधानसभा के निवासी हैं वो अब यहाँ पर रह सकते हैं, बाहरी विधानसभा के लोगों का प्रवेश मतदान के 72 घंटे पहले वर्जित हो जाता है। कांग्रेस के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो हैं वो यहाँ पर खुलेआम खुले रूप से श्याम नगर की, जिन्हें हम स्लम बस्ती के रूप में जानते हैं, ऐसे सीधे साधे भोले भाले गरीब मजदूर वर्ग को खुलेआम शराब बांट रहे थे। मैंने और बग्गा जी ने जा कर के, हमने पास में जा कर के, कोई विवाद वगैरह हुआ इस नियत से जब हम पास में गए तो हम तो देख करके दंग रह गए कि गाड़ी भरी हुई और खुले रूप से क्वार्टर की पेटियां खुली हुई और वो क्वार्टर बांट रहे। मैंने वहां जा कर के गाड़ी को तुरंत से पुलिस के पास जमा करने के लिए उनसे गाड़ी की चाबी मांगी और अपने हाथों से मैंने गाड़ी का डाला बंद करके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।